लेकिन सर ट्रेंट पे लॉन्ग टर्म नजरिया क्या है? पीआरईएनटी ट्रेंट लिमिटेड, क्योंकि लगातार इधर तो वीकनेस आ ही रही है, लॉन्ग टर्म में भी क्या ये 1200 वीकनेस बिल्कुल 1250 के आसपास ही स्टॉक फिलहाल अभी चल रहा है। एंड इस जगह पर फिलहाल अभी बाइंग करने का लेवल तो कहीं से भी नहीं बन रहा है। अगर इसने 1208 के आसपास अगर इसने सपोर्ट लिया तो हम उसके अंदर बाइंग देख सकते हैं। उस समय में टाइम क्या रहता है, बिकॉज कब तक ये 1208 तक पहुंचता, हो सकता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेट भी कर दे, बिकॉज एक कंसोलिडेशन के लिए भी जो नंबर्स और एक दो प्लैनेट इसको फेवर कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेट भी करे, बिकॉज 1208 एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत बड़ा कुशन का काम कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो नंबर्स की तरफ वो जाता ही नहीं है, फिर वो ओके उसके पहले ही वो कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो उस जगह पे ना तो बाइंग बनती है ना तो सेलिंग बनती है। तो बेटर है आप कुछ दिन इसको वॉच कर ले, 1208 के आसपास आने दे, 1208 के आसपास आप एक बार इसको पिक करें, 50% बोलूंगा मैं कैपिटल आप 1208-10 के आसपास आप डालें। उसके बाद अगर ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है और 1243 उसके बाद क्रॉस कर जाए तो आप वहां पर बाकी 50% पैसा आप और डाल दें, आपको 1315 या फिर 1350 तक का लेवल वहां के बाद से दिख जाएगा, लेकिन पहला नंबर है 1208। 1208 पहला नंबर, उस पर रखें नजर, उसके बाद ही